नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश से जितने भी छात्र छात्राएं बीएससी नर्सिंग करना चाहते थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फॉर्म आपका आ गया है, आज से यानी 15 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और आपकी जो फॉर्म चलने वाली है वो 18 मई तक चलने वाली है, शाम के 6 बजे तक। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में देख लेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी नए आए हैं हमारे चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ ही उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की पल पल की जानकारी मिलती रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी के द्वारा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आया है। इसको आप लोग कैसे भर सकते हैं, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊपर में लिखा हुआ abbmuup.edu.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, है ना। इसके बाद थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एकेडमिक सेशन 2023-24 फॉर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी एंड एनपीसीसी नर्सिंग कोर्सेज ऑल फॉर्म विल बी फिल्ड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं फॉर्म भर सकते हैं। इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एबीवीएमयू केजीएमयू आरएमएल एसजीपीआई एमएस सेफआई सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म से भरे जाएंगे और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अगर आप इस परीक्षा में पास करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो यूपी के अंदर जो 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरना ना छोड़ें, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। एक बार अगर सरकारी कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाले कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, एमबीबीएस के बराबर। तो अगर आप इससे नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सीट खाली है और आप बीएससी नर्सिंग के करने के बाद जस्ट इसके बाद आपको नौकरी मिल सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्या क्या जानकारियां दी हुई है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया पेज खुल के आएगा, जो पेज आपको दिखेगा इस प्रकार से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे ऊपर में आप बीएससी नर्सिंग की फॉर्म भर सकते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप बीएससी नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक्स 2 साल की होती है उसका फॉर्म भर सकते हैं, फिर एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी 2 ईयर की होती है उसकी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, तो रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, रजिस्टर एंड लॉगिन पे एंड फिल फॉर्म, यानी आपका सबसे पहले क्या होगा, आपको इस वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना होगा, फिर जाके आपको लॉगिन करना है, फिर आपका जो फीस है उसको पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो पूरी फॉर्म आप फिल करेंगे उसको सबमिट करना है। एक बार सबमिट करने के बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले सारी जानकारियों को जांच लें, अपने से उसको देख लें कि कहीं पे गलती तो नहीं किए हैं, तब फॉर्म को सबमिट करें। और अगर आपको पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन देखनी है तो इन्फॉर्मेशन वाउचर्स लिख के आपकी एक ऑप्शन आ रही है, इन्फॉर्मेशन वाउचर्स लिख के आ रही है, तो आप इस पर क्लिक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स खुल जाएगी, जिसमें आपको एग्जाम डेट, फॉर्म फिलअप डेट, सारी डेट यहाँ पे दिखी हुई है। तो चलिए हम लोग एक बार डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल शनिवार यानी आज से शुरू हो गया है, 18 मई 2023 तक शाम के 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। समझ गए, शाम के 6 बजे 18 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही आपका एडमिट कार्ड जो है वो 25 मई को जारी कर दिया जाएगा, 25 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 4 जून को आपकी परीक्षा होने की संभावित तिथि है। लेकिन 4 जून को एम्स पैरामेडिकल का भी परीक्षा है, एम्स का परीक्षा है, एम्स बीएससी नर्सिंग का परीक्षा है, तो उस कारण हो सकता है कि आपका एग्जाम 7 दिन या फिर 10 दिन, 7 से 10 दिन आगे बढ़ सकती है ना। तो आपको 15 तारीख के बीच, 4 से लेकर 15 तारीख के बीच आपकी एग्जाम कभी भी हो सकती है जून में। ठीक है, चलिए आगे, और सारी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है जिसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पूरी डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको देख सकते हैं, है ना। आपकी यहाँ पे सारी सिटीज दी हुई है जहाँ पे आपकी सीएनईटी का परीक्षा होगा, यानी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर। तो ये आपके टोटल 19 सेंटर दी हुई है बीएससी नर्सिंग के एग्जाम सेंटर की। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और है ना,
अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें से आपको 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम उम्र 35 साल होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम उम्र 35 साल, 17 से लेके 35 साल, जिसमें यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, एसटी एससी, हाउएवर द मैक्सिमम एज फॉर द कैंडिडेट विद द फिजिकल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी विल बी 40 इयर्स एज पर आईएनसी रेगुलेशन। आईएनसी के रेगुलेशन के अनुसार आप 40 साल तक के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सिर्फ 30 साल तक मौका मिलेगा, और एसटी एससी ओबीसी जो है उन लोगों को 35 साल तक मौका मिलेगा, है ना, जिनका उम्र 17 से लेकर 35 साल है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विद द साइंस हु पास्ड क्वालिफाइंग 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 द मस्ट हैव ऑब्टेन द मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में आपका कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर आपने पास किया है अगर 12, तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। 45% मार्क्स से कम अगर मार्क्स है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट कैंडिडेट बिलोंग टू द एसटी एससी ओबीसी मार्क्स ऑब्टेन 3 कोर सब्जेक्ट शैल बी 40% इंस्टेड ऑफ 45 जनरल कैटेगरी। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 45% मार्क्स चाहिए, अगर आप एसटी एससी ओबीसी में से हैं तो आप 40% अगर आपकी मार्क्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी के लिए 40%, जनरल के लिए 45% होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ी सी और, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पूरी तरह से देख सकते हैं, है ना। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको 10th का एडमिट कार्ड ले लेना है, और 10th के एडमिट कार्ड के आधार पर, मार्कशीट के आधार पर आपको फॉर्म भरनी है, है ना। आपका नाम भरना है, इसके बाद अपने पिताजी का नाम भरना है, अपने माताजी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपका एज जो भी है उसको भरना है, आप जेंडर मेल फीमेल जो भी है। इसमें बीएससी नर्सिंग का फॉर्म उत्तर प्रदेश में लड़के और लड़कियां दोनों ही भर सकते हैं, ठीक है। अपना खुद का ईमेल आईडी देना है, साथ ही अपना खुद का फोन नंबर देना है, किसी कैफे वाले का ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं दे दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, सारे अपना सब कैटेगरी वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको पे करना है, और फाइनल सबमिट आपका पेमेंट करने के बाद होगा, ठीक है ना। चलिए आप इस चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, फॉर्म भरते वक्त आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र भी आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन पिछले बार ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तो संभवतः इस बार भी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग बनाने दे दीजिए, 15 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड वगैरह में कोई नाम वगैरह में गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10th के मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड के आधार पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स और फादर्स के नाम भरेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सारी चीजें जो है आपको कैपिटल लेटर में भरनी है, आपका सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ जानकारियों को देख लेते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए फॉर्म में कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका नाम जो भी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी लिख के आप जैसे आप इस रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ देके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप किसी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दी जाएगी, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस का, इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपका बायो से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर का, नर्सिंग एप्टीट्यूड से यानी नर्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक तरह का बायोलॉजी का ही क्वेश्चन होता है, आपका
स्पेशली वो नर्सिंग एप्टीट्यूड कहलाता है, उसमें भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें और क्या रहेगा, तो इंग्लिश और जीके मिला के 40 नंबर रहेंगे, इंग्लिश और जीके दोनों को मिलाकर 40 नंबर रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर की परीक्षा होगी। अगर आप 60-70% नंबर ले आते हैं तो 100% आपको कॉलेज मिल जाएगी, सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। और ये जो फॉर्म है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे ही भर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से देख रहे हैं और अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। उत्तर प्रदेश में 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 210 से लेकर 220 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन का ऊपर ही बना कर आए, आपको निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 को ही बना कर आए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं, है ना। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी बच्चे हैं अगर वे लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप एमबीए एकेडमी दुमका बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वन शॉट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, है ना। डिटेल्स आप लोग सब्जेक्टिव तो पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी का बुक्स पढ़िए आप लोग, 11th और 12th का, वही आपके लिए सफिशियंट है। 11th 12th के बुक के अलावा कोई और बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बुक पढ़ें, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ें और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई भी चीज 100-150 में बुक्स मिल जाती है, उसकी सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी कोर्सेज ले सकते हैं, एबी एकेडमी दुमका के नाम से हमारा कोर्सेज मिल जाएगा। एप्लीकेशन है हमारा गूगल प्ले स्टोर में, एबी एकेडमी दुमका, मात्र हम लोग ₹250 में आपको एग्जाम तक क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे और क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आपको टेस्ट का भी टेस्ट देने को भी मिलेगा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। साथ ही अभी हमारे कुछ फ्री टेस्ट अपलोड है, आप चाहे तो फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। आई होप आपको पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड आगे और भी हम लोग वीडियोस बना के YouTube पर डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, पल पल की अपडेट देंगे। एबी एकेडमी दुमका एक ही विश्वसनीय संस्थान है, आप उनके साथ जुड़े रहें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।